कट गया अपना एज यूजुअल। बोलते हैं अच्छा ठीक है सर, आपको नहीं चाहिए, आपके अकाउंट से 4000 काटा जाएगा। सीन ये है कि अभी मैं पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा, पहले चेंज कर लेता हूँ। चेंज अपन ऐसे नहीं करते, अपने को आता है जादू, अपन जादू करके चेंज करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि मैं फाइनली एकदम मस्त वाला हेयर कट कर लिया हूँ, मतलब अब असली वाला हेयर कट अभी हुआ है। पहले मैं जाता था छोटा छोटा बाल कट करता था और बोलता था हेयर कट किया हम हेयर कट किया, लेकिन अभी आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इतना हेयर कट हुआ है। तो अभी का सीन ये है कि कड़कती फड़कती धूप में दोपहर के 2:30 बजे मैं आया हूँ व्लॉग स्टार्ट करने, और हमारे साथ हमारे मिस्टर आदिल भी है। आदिल जरा इधर आइए। बहुत धूप है, बहुत ज्यादा धूप है, और आदिल भाई 2 दिन से जिम नहीं जा रहे, क्यों ऐसा? लेट उठ रहा हूँ सो के, मतलब उठ नहीं पा। और रात में इसको बोला मैं तो बुलाया ही नहीं। इन लोग को अपडेट नहीं है ना, लास्ट अपडेट इन लोग को ऐसा था कि मैं सुबह में जिम जा रहा हूँ। नहीं शाम में जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं सुबह में। तो सुबह उठते उठते ना मैं मन नहीं हो रहा है उठने का वापस से, मतलब उठ रहा हूँ लेकिन जिम में मतलब वैसा हो नहीं रहा, तो मैं सोचा रात में ही जाते हैं, इसलिए अब सोता हूँ सुबह में और रात में ही जिम जाता हूँ, तो हो जाता है थोड़ा बहुत। भाई अभी का सीन ये है ना कि इतनी ज़्यादा गर्म है ना बाहर धूप में, मेरा कैमरा ऑफ हो गया, चल नहीं रहा, इंटरनल टेम्परेचर हाई बता रहा है, इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए ऑफ किया हूँ और अपने फ़ोन से ब्लॉग कर रहा हूँ यार। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं अजीब ही मौसम हुआ है यार। तो अभी का सीन ये कि मैं अंदर आके बैठ गया सीढ़ी पे, मैं बोला यहीं पे ब्लॉग करते, बाहर तो बहुत गर्म है, घर पे ब्लॉग करने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो मैं बोला यहीं पे करते हैं। सीन ये है कि अभी मैं पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा, पहले ही भी कमेंट्स करूंगा और उस पर बात करूंगा थोड़ी सी। तो अभी अपना मैं क्रिएटर स्टूडियो खोला, उसमें से कमेंट्स पढ़ता हूँ। इससे पहले कमेंट्स में मैं रिप्लाई इसलिए नहीं किया इन लोगों को क्योंकि मैं सोचा वीडियो में बात करके कमेंट पे रिएक्ट करूंगा। तो सबसे पहले कमेंट है अहमद शेख की, ये वीडियो पे आए कल वाली वीडियो पे पुणे वाली, तो ये कमेंट है भाई कौन से शूट को गए थे पुणे, वो वाला शूटिंग का वीडियो डालो भाई एक नंबर। तो भाई मैं शूटिंग पे गया था, वेडिंग का शूट था, फ्रीलांसिंग का, तो वो शूट की वीडियो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता, ऐसे पब्लिकली नहीं दिखा सकता, तो वो नहीं आ सकती। बाकी व्लॉग तो है, आप देखो मस्त कमेंट वमेंट करो। और दूसरी कमेंट है रिश शेख की, भाई बोले बहुत दिनों बाद क्यों आती है वीडियो, डेली व्लॉग्स डाले करे ना प्लीज। तो भाई मसला ये है ना कि आजकल मेरा व्लॉग करने ना मन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यार डेली डेली मैं क्या कॉन्टेंट बनाऊँ, क्योंकि आजकल ना ऑडियंस अलग ही कॉन्टेंट कंज्यूम कर रही है, मतलब एकदम कचरा कॉन्टेंट, जैसे की सौरभ जोशी व्लॉग्स का इतने देखते हो, वो सौरभ जोशी व्लॉग्स की वजह से ना पूरा यूट्यूब के व्लॉगिंग कम्युनिटी कचरा हो गई है, ऐसा मैं कहता हूँ। जितने और ब्लॉग है ना अच्छे अच्छे सभी कह रहे हैं भाई, जो बात है। जो अगली कमेंट है वो है ताइबा मुल्ला की, इन्होंने कहा है कि जल्दी जल्दी वीडियोस डाला करो भाई, बहुत वेट करते हैं हम। तो आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो का वेट करते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी वीडियो अब से मैं डालूं। इंशाल्लाह आप भी दुआ करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो, तो इंशाल्लाह आ जाएगी वीडियो जल्दी इंशाल्लाह। अभी 2-3 कमेंट्स और बाकी है, तो आगे के वीडियो में चलते रहेगा, तो मैं आगे वीडियो में कमेंट्स पढ़ता। अगर आपको कमेंट करके कुछ पूछना है या कुछ करना है तो आप पूछ सकते हो। तो भाई अभी का सीन ये है कि हम सैंडविच खाए और चाय पिए, और अभी आदर्श पार्क पे अभी बज गया रात का 7:30 बज रहा है कुछ तो, और अभी साकिब को फ़ोन किया तो साकिब बोला मैं भी आता हूँ, अभी देखते हैं वो आ रहा है तो फिर देखते हैं जो सीन है। अभी साकिब का भी कॉल आया था, बोला था कि मैं आ रहा हूँ आधे घंटे पहले, लेकिन अभी तक आया नहीं, तो उसको कॉल करता हूँ, पूछता हूँ भाई है कहाँ पे तू, और आपको चुर 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 आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, कोई झाड़ियों में से आवाज़ आ रही है, कॉल नहीं उठा रहा साकिब। कट गया अपना एज यूजुअल। तो ना अभी 2-3 कमेंट पढ़ने बाकी है, लेकिन उससे पहले मैं जा रहा हूँ ओट्स बनाने, क्योंकि मुझे अभी जाना है आधे घंटे बाद जिम, तो अभी खाऊंगा तो आधे घंटे में थोड़ा डाइजेस्ट होगा, तो मैं ओट्स बनाता हूँ, उसके बाद खाते खाते बातें करेंगे। जो बात प्रोसीजर को कम से कम लगता है 10-15 मिनट,
मेरे कमर दुखने लगी पता नहीं क्यों। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले कमेंट पढ़ के आपको बता देता हूँ, उसके बाद खाता हूँ, क्योंकि खाते हुए बात नहीं करना चाहिए। एक कमेंट आया था मुझे, तो ये कमेंट ना मुझे मेरी बर्थडे वाले ब्लॉग पे आया था। मैं सोचा इस पे पहले बात करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं बोला एक बार इस पे बात करना चाहिए। तो कमेंट है, इतना इतरा रहा है, अच्छा है, अल्लाह ने खूबसूरत नहीं बनाया, नहीं तो पता नहीं क्या करता। सुधर जाओ, बर्थडे गुनाह है, ईसाइयों का त्यौहार है, अल्लाह से डरो। मुझे लग रहा है ना ये वीडियो में जब मैं बोलता हूँ ना आपका स्मार्ट बॉय ये उस पे बोल रहे हैं कि इतना इतरा क्यों रहा है। तो पहली बात तो ये है कि आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड, आई लव मी। आईने में 10 बार देखता हूँ और मुझे मजा आता है मुझे देख के। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे जैसा भी बनाया। मैं अच्छा हूँ नहीं हूँ आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो हीरो ही हूँ। और दूसरी बात बर्थडे को लेके, तो बर्थडे को लेके ऐसा है ना, कौन सा मैं बड़ा बर्थडे सेलिब्रेट किया हूँ, ग्रैंड ऐसे शैंपेन की बॉटल उड़ा रहा हूँ, क्या किया मैं, केक कट किया वो भी नॉर्मल सा। ये मेरी छोटी छोटी खुशियां है, मुझे खुश होने दो और आप भी खुश हो पाई देख के। अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है तो इसमें मेरी कुछ गलती नहीं है। क्या ही बोलू, अभी मैं ओट्स खाता हूँ, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद जिम जाना है मुझे। मैं आपसे मिलता हूँ बाद। तो भाई सीन अभी का कुछ यूँ कि अभी बज गया 9 और मैं 15 मिनट लेट हो गया हूँ। आदिल को वेट करवा रहा हूँ, मकसूद को भी वेट करवा रहा हूँ जिम में। 15 मिनट पहले मैं बोला था कि 9:15 आ जाएंगे, फटाफट में चेंज कर दो। और जिम से आने के बाद एक बहुत ज्यादा जरूरी बात करना है, वो बात सुन के जाना। पहले चेंज कर लेता हूँ, चेंज अपन ऐसे नहीं करते, अपने को आता है जादू, अपन जादू करके चेंज करेंगे। देखे भाई अपना जादू ऐसा ही है। तो मैं जाता हूँ अभी जिम और जिम से आगे मिलता हूँ, बाय। तो भाई अभी का सीन ये कि जिम से आ गया और रात का 12:15 बज गया। अब मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ और बताता हूँ कि आपको कैसे सतर्क रहना है। तो कल ना मैं दोपहर में बैठा हुआ था, मेरे पीसी पे बैठ के एडिटिंग कर रहा था और दोपहर का टाइम था, मुझे अचानक से कॉल आया। अब मैं एडिट कर रहा हूँ, हेडफोन लगाया हूँ कान में, फिर थोड़ी देर बाद मुझे समझा दूसरी बार कॉल आया और देखा मैं कॉल आ रहा है। तो मैं फोन उठाया अपना, मैं बोला हेलो, सामने से बोले हेलो सर हम बात कर रहे हैं फोन पे से। मैं दिमाग में सोचा, मैं बोला फोन पे से तो ऐसा कभी फोन आता नहीं है, आज क्यों भाई फोन कर रहे कोई। तो मैं बोला हेलो बोलो क्या हुआ। तो मुझे बोला सर आपका 4500 का कैशबैक आया है। मैं बोला वाह, फोन पे वाले मतलब ऐप छोड़ के ऐसे इंसान को कॉल करके बोल रही कि आपका कैशबैक आया है। तो मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, मैं बोला भाई ये अपने को बना रहे हैं। तो मेरे को बोला क्या सर आपको चाहिए ये कैशबैक। मैं बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए सर। मैं बोला नहीं चाहिए, मेरा मन नहीं हो रहा है। तो मतलब कुछ भी रीजन दे दिया। तो मेरे को बोलता है पक्का नहीं चाहिए आपको। मैं बोला हाँ भाई पक्का नहीं चाहिए। बोलता है अच्छा ठीक है सर आपको नहीं चाहिए, आपके अकाउंट से 4000 काटा जाएगा। मैं बोला ठीक है भाई काट लो, मेरे अकाउंट में सिर्फ 100 रुपीज है। तो मेरे को बोलता है हाँ काट लेंगे। मैं बोला हाँ काट लो। रखने लगा फोन तो मेरे को गाली दी और फोन काट दिया। फिर उसके बाद मैं समझ गया, मैं बोला भाई अपने को बना रहे। तो इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी इज, मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आपको फोन पे गूगल पे मतलब ऐसे कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो बैंक से रिलेटेड होता है वहां से कॉल आए तो प्लीज उन पे भरोसा मत करना, ये बहुत ज्यादा फ्रॉड करते हैं। ऐसे कोई भी कंपनी आपको कॉल करके कभी नहीं बोलेगी कि आपको कैशबैक आया है और आपको चाहिए क्या। ऐसे ही ईमेल मैसेजेस पे भी आता है कि आपको इतने करोड़ की लॉटरी लगी है, मतलब ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो उस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना और अपने अकाउंट की डिटेल और अपना OTP बिल्कुल भी किसी को भी मत देना, इसका ख्याल रखना तो आप लुट जाएंगे भाई। और आप मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि मेरा हेयरस्टाइल कैसा लग रहा है। तो उम्मीद कर तो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी करो, क्या पता आपका कमेंट अगले वीडियो में फीचर हो जाए। और न्यू हो तो सब्सक्राइब करे भी ना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के एडियोस। ऐसे ईमेल पे भी आप बहुत लोगों को आते हैं कि इतने करोड़ की लॉटरी, इटली करो, इटली बोलो।